दोस्तों नमस्कार। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, ये धारणा जो लोगों ने बनाई थी, ये जो मुहावरा है, ये 101% बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं अंकित शर्मा, हेल्थ कोच, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक हेल्थ टॉपिक के ऊपर और एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो लोगों के ऊपर आज एक गलत धारणा बनी हुई है। लोग उस बीमारी को लेकर बहुत सारे परेशान हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इस बीमारी का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्यों है और ये बीमारी क्यों होती है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बीमारी क्यों होती है, इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे आप बहुत नेचुरल तरीके से बगैर किसी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेडिसिन के बगैर आप इस बीमारी को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे परिवार में और हमें बहुत सारी हमारे परिवार में आपने देखा बहुत से लोगों को आज अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। अगर आप 40 साल पीछे जाएंगे तो हमारे ही परिवार में, हमारे गांव में, समाज में बहुत से लोगों को इस प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज़ें बहुत कम होती थी। उसके पीछे रीज़न है आज का हमारा लाइफस्टाइल, खान पीन और हमारा रहना सहना। दोस्तों आज से मैं 30 साल पहले की बात करूँ तो भारतीय खाने में जो पोषण था, जो न्यूट्रिशन था, वो आज बिल्कुल गायब हो चुका है, 90% गायब हो चुका है। पहले हमें जो हमारे एक एप्पल से आयरन मिलता था, आज वो आयरन बिल्कुल नहीं मिलता। हमें जो खाने से प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स मिलते थे, वो आज नहीं मिलते हैं। उसी जगह मिलता है तो केमिकल, उसी जगह मिलता है तो पेस्टिसाइड, जो हमारी इन लाइफस्टाइल डिजीज का एक मुख्य तौर पर कारण है। दोस्तों मैं बात करूं एक ऐसी बीमारी जिसका नाम कैंसर है। कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम सुनते थे कैंसर बहुत से बड़े बड़े लोगों को होती है, पैसे वाले लोगों को होती है, लेकिन आज वो बीमारी अमूमन आपके गांव, समाज, मोहल्ले, कस्बे, इवन आपके परिवार में भी, आपके रिलेशन में भी बहुत से लोगों को मिल जाएगी। इसका रीज़न यही है, हमारा गलत खान पीन। तो अगर कोई बीमारी गलत खान पीन की वजह से हुई है तो उसको हम अच्छे पोषण, अच्छे खाने के थ्रू सही भी कर सकते हैं। ये गलत धारणा है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर टाइम से किसी चीज़ को सही तरीके से उसका सॉल्यूशन जान लिया जाए, टाइम से अगर उसका उपचार कर लिया जाए, टाइम से अगर उस बीमारी के बारे में जान लिया जाए, तो डेफिनेटली 100% आप उस चीज़ को लेकर सही हो सकते हो। दोस्तों मैं कैंसर की बात करूँ तो पंजाब से एक राजस्थान बीकानेर के लिए एक वहाँ सरकारी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल की एक ट्रेन जाती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। वहाँ पर 90% कैंसर के पेशेंट उस ट्रेन के अंदर जाते हैं। ये एक आम बीमारी हो चुकी है। दोस्तों आज मैं बात करूं एक कैंसर को लेके, तो कैंसर होता क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा कि कैंसर हमारी बॉडी की सेल्स की अनरेगुलेटेड ग्रोथ की वजह से होता है। जब हमारी सेल्स की ग्रोथ रेगुलेटेड नहीं हो पाती तो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बीमारी होती है। अमूमन होता क्या है, हमारी बॉडी में दो प्रकार के जीन्स होते हैं, DNA होता है, जिसका काम होता है, एक का काम होता है हमारी सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करना, एक का काम होता है हमारी सेल्स की ग्रोथ को रोकना। जब इन दोनों का बैलेंस बिगड़ता है तब जाके कंडीशंस होती है। अब ये बैलेंस बिगड़ता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। बैलेंस बिगड़ता है, हो सकता है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, या आप पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से इनका बैलेंस बिगड़ता है। जब इन जीन्स का बैलेंस बिगड़ता है तो जो DNA जीन्स है ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते। जब ये रिपेयर नहीं कर पाते तो ये सेल्स को उस लेवल पे लेके चले जाते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, जिनको हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये फिर इनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके अलग अलग प्रकार के कैंसर को बनाती है। अमूमन मैं बात करूं तो ये जो डिजीज़ है, बीमारी है, हमारी ही सेल्स की अनरेगुलेटेड ग्रोथ की वजह से होती है। और ये सेल्स का ग्रोथ का बैलेंस बिगड़ा क्यों, कि हमारा गलत खान पीन, हमने गलत खाना पीना खाया है, हमारा केमिकल या हमने धूम्रपान या हमारा लाइफस्टाइल हमारा खराब रहा है। अगर मैं ब्लड कैंसर की बात करूं जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ये क्यों होता है, इसके पीछे हमारी बॉडी, हमारे जो ब्लड है उसमें तीन प्रकार के सेल्स होते हैं, एक आपका RBC, WBC और आपका प्लेटलेट्स। जब हमारी बॉडी के अंदर जो WBC होता है वो RBC से ज़्यादा हो जाता है, RBC हमारी ब्लड के अंदर 99.9% होता है, WBC 0.2, और जो तीसरा जो होता है सेल्स होता है खून के अंदर, ब्लड के अंदर, वो होता है प्लेटलेट्स, उसका होता है 0.8% हिस्सा। जब हमारी WBC RBC से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर ल्यूकेमिया बीमारी होती है, जिसको हम आम मातृभाषा में ब्लड कैंसर बोलते हैं। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी सेल्स की अनरेगुलेटेड ग्रोथ की वजह से होती है, जो खून के थ्रू हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है, जो अलग अलग प्रकार का कैंसर बन जाता है। मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो हमारी सेल्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, हमारी सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया है, इसका नाम है एटमी हीमोहीम। मैं हीमोहीम के बारे में आप बताने वाला हूं। हीमोहीम एक साउथ कोरिया बेस्ड प्रोडक्ट है,
वहां की गवर्नमेंट R&D ने इसको रिसर्च किया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, इसको बनाने के लिए तकरीबन 4.55 बिलियन यूएस डॉलर पैसा खर्च किया गया है, तकरीबन 8 से 9 साल इसको बनाने में लगे हैं, और ये जिस कंट्री में रिसर्च हुआ है उस कंट्री का पिछले 7 साल से हाई सेलिंग हेल्थ का प्रोडक्ट रहा है। ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसको 21 पेटेंट मिले हैं। ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर आके कोई ज्ञान दे रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट्स है कि जिसको अगर आप यूज करेंगे तो सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी को नहीं, मैं क्लेम नहीं करता, मैं ऑफिशियली क्लेम नहीं करता कि कैंसर को ठीक करता है, बिकॉज जिस वजह से कैंसर होता है उस चीज को ये क्या करता है, बैलेंस करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर कैंसर हो चुका है और डॉक्टर से आप कीमो लेते हो, तो उस टाइम क्या होता है कि जब कीमो दिया जाता है तो वो हमारे कैंसर ट्यूमर सेल्स के साथ साथ में हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी अच्छी सेल्स होती हैं उनको और ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, कि आपकी बॉडी में आपके बाल झड़ने लगते हैं, भूख कम लगती है, आपके अंदर एनीमिया की समस्या हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। एक्चुअली उस कंडीशन में मेडिसिंस भी काम नहीं करती। अगर आप कैंसर के पेशेंट्स हैं और मेडिसिंस ले रहे हैं, अगर साथ में हीमोइम्क लेंगे तो भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा उस मेडिसिंस का रिजल्ट आने वाला है, उस दवाई का बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है। हीमोहीम एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आज अमूमन हेल्थ के मामले में अपने आप में 1,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर चुका है। तो दोस्तों मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि हीमोहीम जो है ये 3 चीज़ों पे काम करता है। पहला जो है NK सेल्स, दूसरा साइटोकाइन सेल्स, तीसरा इम्यून सिस्टम। NK सेल्स की मैं बात करूँ तो NK सेल्स को हम शॉर्टली बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स का जो काम होता है वो हमारे जो वायरस जो होता है, जो इन्फेक्टेड जो हमारी सेल्स होती है उसमें से उसको ये क्या करता है, ख़त्म करता है। साथ में कैंसर और जो ट्यूमर सेल्स होती है उनको ये करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उनको ख़त्म करता है। NK सेल्स का काम होता है, जब बॉडी के अंदर हमारी सेल्स ही बैलेंस नहीं होंगी, जब हमारी सेल्स ही जब हमारी बॉडी की सेल्स रेगुलेट नहीं होंगी, हमारा NK सेल्स काम नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी घुस जाएगी। आज कोविड के अंदर बहुत से लोगों को कोरोना हुआ, बहुत सारे लोग एक्सपायर हो गए, बहुत सारे लोग बच गए, वो उनका रीज़न था आपका NK सेल्स, साथ में उनका इम्यून सिस्टम। तीसरा ये काम करता है इम्यून सिस्टम को लेके, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, जिससे हम किसी बीमारी के साथ में लड़ सकते हैं। तीसरा साइटोकाइन सेल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां आती हैं उसके लिए हमारे NK सेल्स को एक मैसेंजर का काम करता है कि बॉडी के अंदर बीमारियां आ रही हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर 3 अमूमन ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो सिर्फ साउथ कोरिया में पाए जाते हैं। इसके रिसर्च के बारे में और इसकी और ज़्यादा नॉलेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे। मैं लास्ट में फिर बोल रहा हूँ कि मैं कोई मेडिकली क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज ये कोई मेडिसिंस नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारे मेडिसिन प्रॉपर्टी जरूर है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, ये एक न्यूट्रिशन है, जो आपकी बॉडी के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई है उनको ये कवर करता है। तो आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने के अंदर से हैं, प्लीज़ अगर आपके परिवार में किसी भी जान पहचान के अंदर किसी को भी अगर ये बीमारी है, ये डिजीज़ है, तो डेफिनेटली उसको एक बार आप ये ज़रूर दिलाइएगा। आपने बहुत सारे पैसे वेस्ट किए हैं, बहुत सारा पैसा आपने लगाया है, आप मानसिक तौर पे बहुत नेगेटिव हो चुके हैं कि अब कोई लास्ट उपाय नहीं है, बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पे आप टूट चुके हैं। मुझे पता है जब एक कैंसर का पेशेंट होता है तो उसके घर के अंदर सिर्फ वो ही नहीं, बहुत सारे उसके परिवार के सदस्य भी उस बीमारी को फेस कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। मैं आपको एक ऐसे फैमिली मेम्बर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप कहीं से भी हो, आपके परिवार में अगर किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का कैंसर होता है तो आप मेडिसिंस के साथ में एक बार ये प्रोडक्ट ज़रूर लें, ताकि आपका मेडिसिन भी बहुत अच्छे से काम करेगा और आपकी बॉडी के अंदर जो हमारा सेल्स का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है, ये उस सेल्स के सिस्टम को बनाएगा। ये पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है, ये पूरा एक न्यूट्रिशंस प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी को अच्छा पोषण देता है, इसका बहुत अच्छा ऑरक वैल्यू है, सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट्स को एक बार यूज़ ज़रूर करें, ट्रस्ट मी आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपने साथ में बहुत सारे लोगों की हेल्थ सही कर सकते हैं। देन थैंक यू सो मच अगेन। इस वीडियो को अगर आप पसंद किया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे दिए हुए नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। देन थैंक यू सो मच। थैंक यू।